नवदा से लोहिया नंबर नालंदा में हूँ। कल मैं जहानाबाद जाऊंगा। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करती है, तो आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, संगठन को मजबूत बनाया जाए, अगले चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाए, सोशल मीडिया बीजेपी के विंग को और मजबूत किया जाए, ये सब सारी चर्चा होगी। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से जिले की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में भी सुनूंगा। कुछ राष्ट्रीय विषय पर मैं अपनी टिप्पणी कर देता हूं, फिर आपके सवाल होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। आजकल CAA को लेकर बहुत चर्चा है। मैं देश का कानून मंत्री हूं और IT और संचार का मंत्री हूं। एक बात मैं नालंदा के अपने पत्रकार मित्रों को पूरी प्रामाणिकता से बताना चाहता हूं, CAA कानून किसी हिंदुस्तानी पर लागू नहीं होता। नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी हिंदुस्तानी मुस्लिम सहित उस पर लागू ही नहीं होता। ये ना किसी हिंदुस्तानी भारतीय की नागरिकता लेता है, ना किसी को देता है, हिंदू मुस्लिम किसी भी जात से। तो ये पहले एक स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। ये शुद्ध और शुद्ध लागू होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन हैं और जो पारसी हैं, जिनको अपने आस्था के कारण प्रताड़ित किया जाता है, उनको ये भारत के नागरिक बनने का एक अवसर देता है। मैंने तीनों राष्ट्रों की बात कही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों राष्ट्रों की बात कही, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों इस्लामिक रिपब्लिक है, जहां के देश का सरकारी धर्म इस्लाम है, भारत सरकार का कोई धर्म नहीं, संविधान में सभी बराबर है। आज क्या इस सच्चाई से हम इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ जबरन जबरदस्ती की जाती है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनको जबरन धर्म परिवर्तन करा के शादी की जाती है, रोजे खबरें आती हैं TV पर, अखबारों में, और लाखों की संख्या में ऐसे प्रताड़ित लोग हिंदुस्तान आए हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैं अपने बिहार शरीफ के प्रेस मित्रों को बताना चाहूंगा, जब युगांडा से इदी अमीन थे, वहां के तानाशाह, उन्होंने हिंदू गुजरातियों को निकाला था, तो इंदिरा गांधी ने उनको यहां पर नागरिकता दी थी। जब श्रीलंका में तमिल समस्या हुई थी और राजीव गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने लाखों तमिलियन को यहां पर नागरिकता दी थी, कई लोग चलेगा वापस। और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने मांग की थी, मनमोहन सिंह ने विपक्ष के नेता के रूप में 2003 में मांग की थी, और अशोक गहलोत और तरुण गोगोई, जो दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आसाम के और राजस्थान के, उन्होंने डिमांड किया था आडवाणी जी से उस समय अपनी सरकार से। तो कांग्रेस करे तो ठीक, भाजपा करे तो गलत, ये क्या है? और जब कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही थी तो RJD कांग्रेस के साथ खड़ी थी। तो CAA पर जो पूरा विरोध है वो प्रायोजित है, वो दुर्भावना से प्रेरित है, और वो भ्रम और गलत सूचना पर आधारित। जब कोई कानून हिंदुस्तानियों पर लागू ही नहीं होता तो उसको लेकर क्यों परेशान? ये पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात ये NPR की, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसे कहते हैं NPR।
राष्ट्रीय जनसंख्या की पंजी रजिस्टर, ये क्या है ये भी आप जान लीजिए कि भारत की जनसंख्या की गणना हर 10 साल के बाद होती है और ये काम पिछले कोई 150 वर्षों से चलता है। तो एक कानून है सेंसस एक्ट 1948, उसमें लिखा हुआ है कि आप जनसंख्या गिन लीजिए लेकिन डिटेल आप अपने लोगों का बता नहीं सकते। तब यूपीए की सरकार ने मार्च 2010 में एनपीआर लाया था, याद करिए यूपीए की सरकार जिसके साथ खड़े थे लालू प्रसाद, सीपीआई, सीपीएम सभी खड़े थे कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लाया था, संसद में बहस भी हुई। हम उसी को दोबारा कर रहे हैं, 10 साल पूरे हो रहे हैं, 21 में होगा। एनपीआर क्यों जरूरी है? ये सरकार को, केंद्र और प्रदेश को नीति निर्धारण करने में मदद करता है। नालंदा में कितने लोगों के पास गैस कनेक्शन है, नालंदा में कितने लोग बीपीएल हैं, नालंदा जिले में कितने लोगों के पास बिजली है, नालंदा जिले में कितने लोगों के पास गाड़ी है, ये सब एनपीआर से मालूम हो जाता है। ये बिहार में मालूम होगा, ये देश में मालूम होगा। तो चाहे वो बिहार सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उनको अपने नियम को बनाने में सुविधा होती है। तो इसलिए एनपीआर विकास के लिए जरूरी है, और एनपीआर में नागरिक होना जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान में हर रहने वाला गिना जाएगा। फिर रिपीट करूंगा, एनपीआर में होने के लिए नागरिक होना जरूरी नहीं है। सिटीजनशिप कानून के मुताबिक हर भारत का निवासी इसमें आएगा। अब तीसरा विषय आता है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें जब भी होगा तो पहले भारत सरकार का फैसला होगा, उसके बाद उसकी तिथि डिक्लेयर की जाएगी, फिर एक वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके खिलाफ आपत्ति दी जाएगी, आपत्ति की सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद फैसला होगा, फैसले पर अपील करने का अधिकार होगा। ये सब सिटीजनशिप कानून में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जब नहीं हुआ है तो ये देश में इस तरह का बवाल क्यों हो रहा है? ये राजनीतिक है। और आपने देखा होगा टीवी पर, मैंने भी कहा था हम बातचीत करने को तैयार हैं, अमित शाह जी ने भी कहा हम बातचीत करने को तैयार हैं, जो समझना चाहता है समझा सकते हैं, लेकिन लोगों का उद्देश्य समझना नहीं है, लोगों का उद्देश्य राजनीतिक उत्तेजना को आगे बढ़ाना है। ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहता हूं, भैया इलेक्शन लड़िए, हमें हरा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आप देश के प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन जो हारे हुए हताश लोग हैं, 6 महीना पहले मोदी जी के द्वारा ये लोग, हम लोग 303 सीट आए, उसके बाद से सब बलवा शुरू हुआ है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो देश के पुराने मसले हैं, चाहे 370 है, चाहे राम जन्मभूमि है, चाहे वो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, सब हम समस्याओं का संवैधानिक रूप से निदान कर रहे हैं। मुझे अंत में दो बातें और कहनी है।